दिशा में आज पूरा देश झुलस रहा है। जी जी वही नक्सलबाड़ी में मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज यहाँ पर गूंजता है। और मुझे भरोसा है मित्रों कि हिंसा पर विकास की विजय जरूर होने वाली है, निश्चित होने वाली है। ये जो अभियान चला है वो अभियान आज मैं यहाँ आया हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के कदम पास है, मगर यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते आया है और मेरे जैसे 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए गांव-गांव में गरीब के घर तक जाने वाले हैं। मित्रों आप कल्पना करिए 7 लाख बूथ से ज्यादा बूथों में हमारे कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मित्रों कि जिस प्रकार से बंगाल में पहले कम्युनिस्टों का और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का शासन चला है, बंगाल गरीब से गरीब होता जा रहा है। सोनार बांग्ला कहने वाला ये प्रदेश पूरे देश के समृद्ध प्रदेशों में से प्रदेश था। आज बेरोजगारी, हिंसा, खूनामर्दी, तुष्टिकरण एक प्रकार से यहाँ अराजकता का वातावरण दिखाई देता है। मगर मैं एयरपोर्ट से यहाँ आपके गांव में आया तब तक मैंने जनता का जो उत्साह देखा है, मुझे निश्चित भरोसा है कि बंगाल में भी कमल खिलने वाला है। जितने भी कार्यकर्ता है, गांव के लोग हैं, हमारी एक दीदी यहाँ से पंचायत सदस्य भी चुनकर आई है, मैं सबको अभिनंदन देना चाहता हूँ कि इतनी हिंसा के बावजूद भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना चालू रखा है और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना चालू है। दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दीनदयाल उपाध्याय की तारक योजना है उसको लेकर गांव-गांव में जाने वाले, देश भर के कई गांव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा दिन कार्यकर्ता बिताने वाला है। 15-15 दिन, 6 महीना, 1 साल पार्टी के विस्तार के लिए देने वाले हैं। मैं भी 15 दिन तक 5 राज्यों में जाने वाला हूँ, बंगाल में और 2 दिन रहने वाला हूँ। मेरा आप सबसे यही निवेदन कि हिंसा का दौर कितना भी लंबा हो हमेशा नहीं चल सकता। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में विजय, उद्भव, विस्तार और अंत में विजय ये सुनिश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आने वाले 2019 के चुनाव में इसका परिचय देश की जनता को भी मिलेगा, बंगाल की जनता भी इसका परिचय कराने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 3 साल से सरकार चल रही है, इस सरकार ने देश के अंतिम से अंतिम गांव तक काम पहुंचाने का काम किया है, देश को गरीबों के उत्थान के लिए काम पहुंचाने का काम किया है। मगर बंगाल की ये सरकार मोदी जी की जो योजना है इसको नीचे तक पहुंचने नहीं देते। उज्ज्वला योजना गुजरात में ठीक से चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, बंगाल में गांव की गरीब बहनों के घर पर गैस पहुंचाने में हमें दिक्कत आ रही है। जो सरकार रोड़ा डालने का काम कर रही है उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी के रथ को वो रोक पाएंगे, मगर मैं तृणमूल के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितना दमन करोगे, जितना अत्याचार करोगे, जितना हिंसा का कादव कीचड़ लगाओगे, कीचड़ में कमल और अच्छी तरह से खिल जाएगा। आज एक गरीब परिवार के घर में गया, भोजन किया, अभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ के 60 कार्यकर्ताओं के साथ मेरी लगभग 1.25 घंटा बैठक हुई है,
और मैं 5 घरों में भी अभी जाऊंगा जहां दीनदयाल जी उपाध्याय के लिए जो साहित्य सभा है वो देखकर दीनदयाल जी का परिचय कराने का भी काम करूंगा और शाम को जिला सेंटर पर बुद्धिजीवियों के साथ वार्तालाप का भी कार्यक्रम करूंगा। मगर मैं आज साथ बताना चाहता हूँ कि मैंने भाजपा के मंत्री नाते, भाजपा के नेता नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते कई बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित किया है। लाखों की संख्या में लोग हो, हजारों की संख्या में लोग हो, ऐसी सभाओं को संबोधित किया है, मगर एक गांव की नुक्कड़ पर जो छोटी सी सभा है, एक मंत्र संतोष और आनंद, हिंदुस्तान की सरहद पर एक गांव जो 3 देशों की सरहद पर है और जहां से नक्सलवाद का विचार पनपा पीला आगे बढ़ा और अब जो अंत की ओर जा रहा है देश में, तब मैं आज देख रहा हूं कि यहां कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये दिन देश के लिए भी बहुत अच्छा दिन है और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए भी ये सौभाग्य है। आज फिर से बात गांव के सभी लोगों ने, गांव की लगभग पूरी आबादी यहां गई है, मेरा जिस प्रकार से स्वागत आप लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी का और बूथ के अध्यक्ष का भी जिस तरह से स्वागत किया है, मैं पार्टी की ओर से हृदय से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर भी विकास का सूर्य बहुत जल्दी से उदयमान होगा और बंगाल को भी गरीबी के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। इनसे पास आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय।